के सबक पे जाने से पहले ये बात नोट कर लें कि जिस मुमलकत खुदादाद में हम रह रहे हैं इसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है? यानी अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। रीसेंट हिस्ट्री में हमें तीन रियासतें ऐसी मिलती हैं कि जिनका मकसद एक फ़िलॉसफ़ी है, वो किसी नस्ल की बुनियाद पर कायम नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहली थी रियासत मदीना। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला था वो सब के सब रियासत मदीना के सिटीजन्स थे, उसके बाशिंदे थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हज़रत उवैस करनी दूर दराज इलाके में थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और रियासत मदीना के बाशिंदे करार पाए। इसी तरह उसके बाद जितनी भी मुसलमानों की या गैर मुसलमों की जितनी भी रियासतें कायम हुई हैं रिसेंट हिस्ट्री में, कोई भी किसी फ़िलॉसफ़ी किसी रिलीजन के नाम पे नहीं हुई, या वो ताकत की बुनियाद पर हुई या वो नस्ल की बुनियाद पर हुई। ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। मुसलमानों की भी जो अब्बासी सल्तनत थी वो अब्बासी खुलफा अपने नस्ल दर नस्ल वो बादशाहत की बुनियाद पर चलाते रहे। सल्तनत उस्मानिया में बेशक बहुत चीज़ें इस्लाम के करीब थी, लेकिन बहरहाल वो तुर्क नस्ल परस्ती ही थी उसके अंदर, बादशाहती खिलाफत उसके अंदर नहीं थी। उसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद, बहुत बड़ी बात है ये, खिलाफत राशिदा के बाद अगर कोई रियासत कायम हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद, तो वो पाकिस्तान ही है, इसके अलावा कोई रियासत नहीं है। और पाकिस्तान इसीलिए इसको मदीना सानी भी कहा जाता है, जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने और आपके अल्लाह ताला ने आपकी नुसरत आपके साथियों से सहाबा से फरमाई, उन्होंने मिलकर रियासत मदीना कायम फरमाई थी। इसी तरह यहाँ पे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, 1400 साल के बाद मदीना सानी कायम हुई मशरिक़ की सरजमीन में। और तीसरी सल्तनत कौन सी है जो फ़िलासफ़ी और रिलीजन की बुनियाद पर कायम हुई है? वो है इसराइल। और इस वक्त दुनिया में दो ही रियासतें हैं जो एक फ़िलासफ़ी की बुनियाद पर है, एक पाकिस्तान और दूसरी इसराइल। और पूरी दुनिया का जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं वो दरअसल इन दो रियासतों के अराउंड मूव होती हैं, हम उनको महसूस करें या ना करें। बेशक आपको लगे कि चाइना ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन गई है, बेशक आपको लगे कि रशिया और यूरोप की टसल चल रही है, बेशक आपको लगे कि इसराइल और अमेरिका का आपस में इत्तेहाद हो रहा है, वो जैसे हमीद गुल साहब के अल्फाज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि अफ़गानिस्तान बहाना है पाकिस्तान निशाना है, पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है ना वो ये सब बहाने हैं। दरअसल वो जैसे साइड साइड पे हो कर ना बिल्ली ने कबूतर पर नज़र रखी होती है, बेशक वो शो करे कि मैं तो इधर उधर देख रही हूँ, वो हिसाब है। इसराइल अपनी सारी की सारी ताकत जमा कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों के ख़िलाफ़। और यहाँ पे भी हम भी जितने आपको लगे कि अब कभी अमेरिका के साथ इत्तेहाद हो गया, कभी रशिया से तेल ले रहे हैं, कभी कुछ भी करते रहे, असल में मुझे आपको हम सब को भी अगर नहीं भी पता तो पता होना चाहिए कि असल हमारी टक्कर कुफर के उस निज़ाम से है। कल हमने जो स्टडी किया था क्या हुआ था, बनी इसराइल को कैंसिल करके अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल को लेकर आए, और बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दो कैंप बन चुके हैं। फ्लैगशिप क्या होती है, जो बहरी बेड़ा होता है उसमें जो सबसे आगे एक शिप होती है उस पर फ्लैग होता है, वो एक अज़म लेकर चल रही होती है, एक ऐलान लेकर चल रही होती है कि ये हमारा बेड़ा है और ये सल्तनत का है और ये इसका कलर है और ये इसका कॉज है। तो इस वक्त जो हमने कल डायग्राम स्टडी की थी उसमें क्या था कि बनी इस्माइल और बनी इसराइल क्या थे कि जिनको अल्लाह ताला ने कैंसिल कर दिया, वबाऊ भी गज़ब मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए, और बनी इस्माइल को अल्लाह ताला ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जितनी उम्मत है उनको अल्लाह ताला ने कह दिया, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोग अब बेहतरीन सबसे खैर उम्मत हो।
तो अब फ्लैगशिप एक इसराइल के पास है, दूसरी फ्लैगशिप पाकिस्तान के पास है। दुनिया के दो कैंप हैं, दुनिया माने या ना माने, दुनिया जितना इग्नोर करे, असल में दो कैंप्स यही बने हुए हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त चाहे वो डॉलर रेट आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आए, चाहे वो आपको जो खाम तेल है वो आपको मुहैया ना हो रहा हो, ये सारी की सारी सूरत हाल उस तरह बनाई जा रही है कि किसी तरह युरीदून अली युत्फियु नूर अल्लाह बिअफवाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, कि ये लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल मुशरिकून वलव करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके ही रहता है, चाहे काफिरों को मुशरिकों को जितना भी बुरा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो आपको लग ऐसे रहा होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, प्याज 280 का हो गया, तेल नहीं मिल रहा, धमाका हो गया, ये सारे के सारे मामला दरअसल पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह की फ्लैगशिप है जिसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में अभी आज के लेसन की तरफ नहीं आए, ये मैं जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आपको बात बता रहा हूँ। इस सिलसिले में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की फ्लैगशिप है। ठीक है, पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की फ्लैगशिप है। और पाकिस्तान के जो रियासत है इसके खिलाफ किसी भी किस्म की हर्जा सराई, रियासत के खिलाफ किसी भी किस्म की हर्जा सराई या बगावत या कोशिश वो कुफर का दर्जे में आती है। इसके बारे में अहादीस बिल्कुल वाज़े है। पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, हम मानते हैं कि इसके अंदर अभी सूद का निज़ाम मौजूद है, इसके अंदर इस्लामी सज़ाएं अभी नाफिज नहीं हुई, लेकिन बहरहाल इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे है। लिहाजा इसके खिलाफ किसी की भी किस्म की हरकत करना, किसी भी किस्म की रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात करना, चाहे वो पॉलिटिशियंस करें, मैं नाम लिए बगैर आपको बता रहा हूँ कि कुछ सियासतदान बाकायदा रियासत के खिलाफ, जो पाकिस्तान की स्टेट है कि मुझे हुकूमत नहीं मिली, मुझे हटा दिया, वो कर दिया, तो वो रियासत को इतबार करने के दरपे हो जाते हैं। कोई कह देता है कि जी मेरी पार्टी नहीं, हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, कोई कहता है कि जी अपने अपने तरीके, मुझे क्यों निकाला, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो रियासत के ही तरपे हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, वो पूरी यानी वो चाहते हैं बेशक सब तबाह हो जाए, अगर हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिली तो वो रियासत के नुकसान से। तो ये भी खवारिज की तरफ चीज़ आ जाती है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो कोई ऐसे अनासर हों जो रियासत के ख़िलाफ़ बाकायदा कोशिशें कर रहे हैं खुल के, उसमें TTP है, ये और किस्म की मुझे सारी जमातों के नाम भी नहीं आते, कोई भी असला उठाएगा रियासत के ख़िलाफ़, बम धमाका करेगा, खुदकुश हमला करेगा, वो मुर्दार है। और ना सिर्फ मुर्दार है बल्कि ये मेरे सामने इतनी अहादीस हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि ये लोग हुआ कलाबुन्नार, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं। पेशावर में जो बम धमाका हुआ है वो जो मर्ज़ी उसको नाम दे लें, जो मर्ज़ी उसको लेबल दे लें, जिसने भी किया, जिसने भी धमाका किया, जिसने भी उसको सहूलत मुहैया की, जिसने भी उस सारे मामले में सपोर्ट की, अगर किसी ने रिश्वत लेकर उसको आने दिया, किसी ने उसको किसी चेक पोस्ट से गुजरने के दिया, किसी ने उसको पैसे मुहैया की, किसी ने उसको ट्रेनिंग दी, किसी ने उसको जो कुछ भी, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हत्ता कि अगर किसी ने जानते बूझते हुए ना उसके पेट्रोल, उसके बाइक में पेट्रोल भी डाला है ना, और उसे पता था ये किस काम से जा रहा है, तो वो भी उसके अंदर शामिल है। ये सारे के सारे क्या हैं? हुआ कलाबुन्नार, जहन्नुम के कुत्ते। और ये तो इस रियासत वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी है। ये खवारिज की जो हदीस हैं ये हर रियासत के खिलाफ पूरी उतरती है। अगर रियासत के खिलाफ बगावत करने की इजाज़त होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में सहाबा को साथ मिलाते और अबू जहल को जाकर कत्ल कर देते।
अबू लहब को कत्ल कर देते, क्यों नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वहां क्या था, रियासत किस लिए बनी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह पे मक्का की रियासत क्यों बनी थी? किसने बनाई थी? कल हमने स्टडी किया है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन में छोड़ कर गए थे और वहाँ पर अल्लाह ताला का घर बनाया था। किस लिए बनाया था? अल्लाह की इबादत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। लेकिन हज़ारों साल गुजरने के बाद वहाँ पर कुफर और शिर्क आ गया था, इस कदर शिर्क आ गया था कि खुल्लम खुला वो अल्लाह के दुश्मन हो गए थे। अल्लाह के घर के अंदर ही उन्होंने 360 बुत रख दिए थे। समझ में आ रही बात? लिहाजा वो कुफर और शिर्क की रियासत बन चुकी थी, लेकिन उसकी बुनियाद जो फाउंडेशन थी असल में बनी किस लिए थी? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन वो जो कुफर की रियासत थी, बकायदा अल्लाह के दुश्मन थे, बकायदा अल्लाह से बगावत करने वाले थे, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में भी ऐसी इजाज़त नहीं दी कि सहाबा को साथ मिलकर इस रियासत के खिलाफ कोई, ठीक है, चाहे वो सरदारी निज़ाम था, चाहे वो कबायली निज़ाम था, कुछ भी था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, सबसे अफजल हैं, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं, तमाम अम्बिया के इमाम हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ करते तो अल्लाह ताला की मदद आनी थी, अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देता जो उनको तहस नहस करके रख देता। अल्लाह ताला ने तो हज़रत अब्दुल मुतलिब के दौर में ऐसे कर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वक्त में, आमुल फील जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उसी साल में आमुल फील हुआ था, असहाबुल फील का वाकया हुआ था। अल्लाह ने आसमान से अबाबील और परिंदों के झुंड भेज दिए थे जो हाथी वालों के ऊपर पत्थर बरसाते थे और उनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया अल्लाह ताला ने, बिल्कुल खाए हुए भूस की तरह हो गए, वो गोबर की तरह हो गए। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त देता कि जाएं काबतुल्लाह के अंदर से रात को बुत तोड़ दें, मैं जानूं और ये मुशरिकीन मक्का जाने, बगावत कर दें, दो तीन लोगों की तलवार उठा लें, मैं सबको तहस नहस कर दूंगा, अल्लाह ताला ने ऐसी इजाज़त नहीं दी। समझ आ रही है? तो किसी भी स्टेट के खिलाफ, इवन नॉन मुस्लिम स्टेट्स में भी जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको भी उस स्टेट के खिलाफ जंग करने की इजाज़त नहीं है, उस स्टेट के खिलाफ वो असला नहीं उठा सकते, जाकर बम नहीं फोड़ सकते। तो फिर चेंज कैसे आएगा? चेंज वैसे ही आएगा जैसे मक्का मुअज़्ज़मा में आया था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम लेकर देकर भेजा था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए मुसलमानों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मान लो, जान लो, कामयाब हो जाओगे। वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिलों के बुत टूटे थे ना, इधर ध्यान करें सब लोग, जब दिलों के बुत टूटे थे ना, दिल के अंदर जो शिर्क था वो ख़त्म हो गया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु के ऊपर यकीन हो गया कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने से सब कुछ होता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जब दिलों के अंदर से बुत टूटे, दिल पाक हुए, तो चंद लोग थे मक्का मुअज़्ज़मा में, चंद लोग थे ना, तो रियासत मदीना के लिए कितनी तलवारें चली थी, सिर्फ चंद लोगों ने हिजरत की और जब वहाँ पहुँचे तो ताला अल बद्रु अलैना वजब शुक्रु अलैना, उन्होंने तो वेलकम किया, अल्लाह ताला ने बाकियों के दिल बदल दिए। अब हम कहते हैं कि वो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, अब ये तो बहुत मुश्किल है ना अपना दिल साफ़ करना, अपने दिल से शिर्क को ख़त्म करना, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना, खैर का मामला करना, खुद भूखा रहकर दूसरे का पेट भरना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप कमा कर देते हैं नादारों को। तो हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को बदल लें, तो भाई फतवा लगाना बहुत आसान है कि तुमने सूद ख़त्म नहीं किया, तुमने यहाँ पे कानूनी इस्लामी सज़ाएं नाफिज़ नहीं की, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। ख़ुद बदलना नहीं है, दूसरों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने, अगर हम खुद बदल जाएँ तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी अच्छे ला देगा। अगर हम अपने दिलों से शिर्क ख़त्म कर लें, चंद लोग भी ऐसे हो जाएँ, तो अल्लाह ताला पूरा निज़ाम बदल देगा। मैं और आप बदलते हैं नहीं, और फिर ये बड़ा आसान है कि फतवा लगा दो, बम फोड़ दो, मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो। तो जो भी लोग ऐसा करेंगे, हुआ कलाबुन्नार, और
उसके बहुत सारे सबूत हैं, ये हदीस भरी पड़ी हैं, मुस्लिम शरीफ में भी हैं, बुखारी में भी हैं, दीगर सियाह सित्ता में भी मौजूद हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तकसीम फरमा रहे थे तो एक शख्स पीछे था, तो उस जब उस तरह बात नहीं आई तो आप तो उसने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम में इंसाफ नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर उनको नाराज़गी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चेहरे पर नाराज़गी और गुस्से के इज़हार नज़र आए। और आप मफहूम उस हदीस का यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला हूँ। और फिर उस शख्स के बारे में फरमाया कि मुझे ये खवारिज में से लगता है। और फिर खवारिज के बारे में दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुआ कलाबुन्नार, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, यानी जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। और जो रियासत के ख़िलाफ़ अखराज करता है यानी बगावत करता है, ये ख्वारिज कौन होते हैं? बागी, जो कोई बम फोड़ रहा है, कोई असला उठा रहा है, कोई फतवा लगा रहा है। इसमें इसमें ये हिज़्बुत तहरीर भी शामिल है, क्योंकि हिज़्बुत तहरीर का तरीका ये है कि ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर से बगावत हो, फ़ौज के कुछ जनरल्स उठें, टेक ओवर करें और पावर में ला कर इस्लाम को नाफिज कर दें। ठीक है, ये भी बिल्कुल ख्वारिज में आएंगे। जितने लोग हिज़्बुत तहरीर का तरीका रिलेटिवली सॉफ्ट है, तो अक्सर नौजवान आप लोगों की तरह के यंगस्टर उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन उनके तरीक के मुताबिक वो भी ख्वारिज में शामिल हैं। हुआ कलाबुन नार। तो अब जो लोग भी अनजाने में हिज़्बुत तहरीर के साथ कनेक्टेड हैं, सबको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत तरीका है और इससे अपने आप को डिसकनेक्ट करें, सही मेन स्ट्रीम इस्लाम की तरफ आएँ। ऑल दो हम मानते हैं कि अभी इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं है, लेकिन इसका सलूशन ये है कि दिल से शिर्क को पाक करें, अल्लाह के हुजूर झुक जाएं। चंद लोग भी अगर बिल्कुल मुवाहिद हो जाएंगे ना मक्का मुअज़्ज़मा में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हो गए थे, तो अल्लाह ताला रियासत पैक करके, रैप करके, पिन पैक रिबन लगा के आपको दे देगा। बस इतना सा करना है। इसका मतलब है कि चंद लोग भी मुवाहिद नहीं हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने आप की इस्लाह करूं, अपने दिल से शिर्क को ख़त्म करूं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करूं, फिर आप लोग करें, और फिर अपने अहबाब में दिलों से शिर्क को ख़त्म करें, अपने घरों से शिर्क को ख़त्म करें, अपने मोहल्लों से, अपने मसाजिद से शिर्क और उसकी इकसाम को ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी की सूरत पैदा फरमाएगा। तो ये पहुँचाएँ जी सब, ये जो बात हुई है क्लास से पहले, ये तमाम लोग जितना तक पहुँचेगी वो भी आगे पहुँचाएँ। और सबसे पहले आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वक्त क्योंकि रियासत के ख़िलाफ़ गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों उनको बहुत गु़स्सा आ रहा है, चाहे वो वर्कर्स हों उनको गुस्सा आ रहा है, पॉलिटिशियंस को आ रहा है, फिर ब्यूरोक्रेसी को। अब देखें ना, जब पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर गिर गया, तो जिसकी जितनी सैलरी थी जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए भी मसला है। ठीक है, उसी तनख्वाह में अब महंगी चीज़ें ख़रीदनी है। इसी तरह जो काम कारोबार करने वाला है, कल हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो पिछली परचेज़ के ऊपर वो बेचारा बेच तो रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैं दोबारा चीज़ ख़रीदने के लिए जाऊंगा तो अब मुझे कहीं और से इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। तो अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए? वो तो एक साइकिल के तहत चल रहा है। अगर वो चीज़ें मुनासिब रेट पर मिलती रहें फिर ही प्रॉफिट होता है ना। तो उसको पता है, ख़रीदने वाले का भी यही मामला है ना, वो महंगी कर सकता है, और महंगी करेगा तो हम ख़रीदेंगे नहीं। अगर उसी रेट पर भेजेगा तो कारोबार, अब क्या हो रहा है कि वो बता रहा था कि ये देखें मेरी शेल्फ्स बड़ी भरी होती थी, अब ये चीज़ें कम होती जा रही, यही हो रहा है, मेरा बिज़नेस डाउन होता जा रहा है। तो हर एक के अंदर गम व गुस्सा बेशक मौजूद है, लेकिन इसकी वजह मैं और आप हम सब खुद हैं। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। मैंने और आपने अपने दिलों से शिर्क को ख़त्म नहीं किया, अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, अपनी क्लासेस से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने इलाकों से, अपने शहरों से, हमने शिर्क और उसकी इकसाम को ख़त्म नहीं किया। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह ताला ने कहा है मईशत तबाह कर दूंगा, हो रही है। सबसे पहले मैं और आप ठीक हो जाएं। और ये गम गुस्से की बात हो रही थी, ये हर एक के अंदर मौजूद है, तो इस वक्त में सोचने समझने की सलाहियत ज़रा कौम की कम हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो नौजवान या जो एक्सट्रीम सेंटीमेंट्स रखने वाले लोग हैं वो आसानी से आलाकार बन जाते हैं बैरूनी कुव्वतों के, ख्वारिज के, और वो उनमें इस्तेमाल होकर इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। शैतान भी अपना काम कर रहा होता है, वो भी जहन में ऐसी बातें डाल रहा होता है कि बस फोड़ दो, मार दो, ख़त्म कर दो, कितनों का भला हो जाएगा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी बात है थोड़ी सी तवील हो गई है, लेकिन आपका काम बनता है सब तक पहुँचाएँ। और आप लोगों का भी कि सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों के
10-11 मिलियन पर मंथ व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो इस वीडियो अकेले के मिलियंस में व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये बात हर एक पाकिस्तानी तक पहुंच जाए और ये बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाए। और ख्वारिज के बारे में मुतअद्दिद मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं और उन सब में अहदीस रेफरेंसेस के साथ बताई गई हैं, ठीक है, तो ताकि ना वो भी लोगों तक पहुंच जाएंगी और उन सबको क्लियर हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद जगह पे बताया। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी थे, वो दमिश्क के एक मस्जिद में गए तो उन्होंने कुछ सर लटके हुए देखे, कत्ल करके उनके सर लटका दिए गए थे। तो अब मैं और आप वहाँ जाएँ तो हमारी क्या सेंटिमेंट होगी, अफसोस होगा? उन्होंने कहा नहीं, सहाबी रसूल ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि ये मकतूल बदतरीन लोग हैं और उनको कत्ल करने वाले बेहतरीन लोग हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये बात आप कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, गिनते गए वो, चार दफ़ा, पांच दफ़ा, छः दफ़ा, सात दफ़ा, सात तक उन्होंने गिना कि सात दफ़ा ना सुनी होती तो मैं आप लोगों से ये बात ना करता। और वो सर किसके लटके हुए थे, ख्वारिज को कत्ल करके उनके सर लटका दिए गए थे जिन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत की थी। स्टेट के अंदर हमेशा कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन किसी सूरत ये इजाज़त नहीं होती कि उसके ख़िलाफ़ असला उठाया जाए, उसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हुआ जाए। और जो भी ज़ुबान से भी थोड़ी सी ऐसी बात कर रहा है स्टेट के ख़िलाफ़, कोई सेंटीमेंट उकसाने में बात कर रहा है जिससे लोगों के अंदर गम गुस्सा आ रहा है, वो भी अल्लाह ताला से तौबा करे, वो भी उसके अंदर शामिल हो सके।